विश्व भर में ऐसे कई पुल हैं जो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। कहीं कहीं तो ये पुल देश की शान भी माने जाते हैं। ऐसा ही एक अनोखा पुल भारत में भी है जो सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेल दोस्तों, आज हम बात करेंगे हावड़ा ब्रिज के बारे में। हावड़ा ब्रिज को कौन नहीं जानता। पश्चिम बंगाल या कोलकाता का नाम सुनते ही सबसे पहले हावड़ा ब्रिज का ख्याल आता है। हावड़ा ब्रिज भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह पश्चिम बंगाल व भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में सबसे अनोखा व प्रसिद्ध ब्रिज में से एक है। यह हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इसका मूल नाम नया हावड़ा पुल था, जिसे बदलकर 14 जून 1965 को रविंद्र सेतु कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग इसे ज़्यादातर हावड़ा ब्रिज के नाम से जानते हैं। हुगली नदी पर बना दो शहरों को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज यानी रविंद्र सेतु का निर्माण कार्य 1936 में शुरू किया गया और 1942 में पूरा हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। इस सेतु का नाम बंगाली लेखक, कवि, समाज सुधारक गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम पर रखा गया है। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे दो पायों पर टिका है। इसके दोनों पायों की बीच की दूरी 1.5 फीट है। इन दो पायों के अलावा नदी में कहीं कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट दे। इस दुनिया के अनोखे हजारों टन बजनी इस्पात के गार्डरों के पुल ने केवल 4 खंभों पर खुद को इस तरह बैलेंस बनाकर हवा में टिका रखा है कि 80 वर्षों से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि लाखों की संख्या में दिन रात भारी वाहन पैदल भीड़ इससे गुजरती है। फर्क तो तब भी नहीं पड़ा था जब 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ दूरी पर ही गिरा था, लेकिन तब भी यह ब्रिज ज्यों का त्यों खड़ा रहा। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर एक तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे। खंभों वाला पुल बनाने से कहीं जहाजों की आवाजाही में रुकावट ना आए, ये एक झूला या कैंटिलीवर पुल से ही संभव था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इसमें से 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील ने की थी। इसकी खासियत यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील के प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की बजाय धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हावड़ा ब्रिज को कभी कोई समस्या नहीं हुई है। पोर्ट ट्रस्ट को वर्ष 2011 के दौरान अजीब समस्या से जूझना पड़ा था। तब एक अध्ययन से यह बात सामने आई थी कि तंबाकू, पान और गुटखा थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई कम हो रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो आगे चलकर ब्रिज को भारी नुकसान देखने को मिलेगा। इन चीजों को देखते हुए तब स्टील के पायों को नीचे फाइबर ग्लास से ढकने पर लगभग 20 लाख रुपये खर्च हुए थे। दोस्तों, आपको बता दूं, हावड़ा ब्रिज की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए पेशेवर वास्तुविदों की सहायता ली गई है ताकि खूबसूरती बनी रहे। ब्रिज को LED लाइट की मदद से सजाए जाने की योजना भी प्रस्तावित है ताकि ये ब्रिज एक नए रंग में नजर आए। हैरानी की बात तो यह है कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल का आज तक उद्घाटन नहीं हुआ है, क्योंकि तब दूसरे विश्व युद्ध पूरे सबाब पर था। दिसंबर 1942 में जापान का एक बम ब्रिज से कुछ दूरी पर गिरा था।
इसलिए तय हुआ कि कोई धूमधाम नहीं होगी और ट्रैफिक खोल दी गई। यह ऐतिहासिक ब्रिज देसी विदेशी सैलानियों के अलावा यहाँ अनगिनत फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है। तो दोस्तों ये है आज की वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना